हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं ये सुंदर सा पैटर्न लेकर आई हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं। आप इस पैटर्न को दूसरे पैटर्न के साथ भी मिक्स करके बना सकती हैं, या फिर सिर्फ इस पैटर्न को भी आप बनाएंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। इस पैटर्न को हम जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, किसी भी स्वेटर में डालेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। चार सिलाइयों का यह पैटर्न है और ये पैटर्न रॉन्ग साइड से शुरू होता है। ये देखिए, रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे, यानी 4 4 4 4 करके 4 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे। तो चलिए, आज हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। और ये पैटर्न ज़्यादा करके लाइट कलर के ऊन में ही सुंदर लगता है। ये मैंने बेबी पिंक में, बेबी वूल से बनाया है। तो चलिए, इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल पर फंदे डाल रखे हैं और किनारे के लिए मैंने दो दो फंदे, यानी कि टोटल 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। और इस पैटर्न को हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे, ना कि राइट साइड से। तो हमारी फर्स्ट रो रॉन्ग साइड की होगी। पैटर्न बनाने से पहले मैंने 3 रो बॉर्डर की बुन ली है। अब हम फर्स्ट रो की बुनाई शुरू करेंगे। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड। ये हमारे दो फंदे किनारे के हो गए, बुना गए, एक फंदा बढ़ाते हुए, देखिए एक फंदा ये वाला बढ़ गया, एक सीधा, दो सीधा, 3 सीधा और ये 4 सीधे, यानी हमने एक फंदा बढ़ाया और 4 सीधे फंदे बुन लिए। एक बार फिर ऊन आ गए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यानी हमें हर चौथे फंदे पे एक फंदा बढ़ा लेना है। ऊन आ गए, 1 2 3 4, एक बार फिर ऊन आ गए, 1 2 3 4 और ये हमारे किनारे के दो फंदे। ये हमारी फर्स्ट रो जो कि रॉन्ग साइड की थी वो कंप्लीट हो गई। हमारी सेकंड रो राइट साइड की होगी। सेकेंड रो राइट साइड। दो फंदे हमने किनारे के लिए रखे थे, जिसमें से पहला फंदा हमने बिना बुने उतार दिया, दूसरा फंदा उल्टा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। यहाँ पर हमने पिछली बार एक फंदा बढ़ाया था, यानी रॉन्ग साइड में। इस बार इन दोनों फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए, इन दोनों फंदों को हमने दाहिनी सिलाई पर डाल लिया बिना बुने हुए, ऊन आगे रखते हुए। ये देखिए, एक फंदा हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर फिर बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे 3 फंदे एक साथ हो गए, 1 उल्टा 2 उल्टा 3 उल्टा। एक बार फिर पिछली सिलाई में बढ़ाए हुए फंदे को और उसके साथ एक और फंदे को, ये देखिए हम बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल देंगे, उनको आगे रखते हुए एक और फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे और 3 फंदे अब हमें उल्टे बुन देने हैं, 1 2 3। एक बार फिर दो फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे, ऊन को आगे रखते हुए एक फंदा हमने फिर से बढ़ाया, 3 उल्टा, 1 2 3।
दोनों फंदों को हम फिर बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे, ये देखिए, और यहीं पर ऊन को आगे रखते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे और किनारे के दो फंदे। ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई रॉन्ग साइड, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा, ऊन आगे, इन तीन फंदों को हमें एक साथ बुनना है। देखिए एक उल्टा, ऊन लपेट कर दूसरा फंदा बनाएंगे और एक बार फिर बुन लेंगे, यानी तीन फंदों को एक साथ बुनकर तीन फंदे बनाने हैं। ऊन पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ऊन आगे, तीन फंदों को एक साथ बुनना है और तीन ही फंदे बनाने हैं। ये पहला फंदा, ऊन लपेट कर दूसरा फंदा और ये तीसरी बार हम बुन कर फंदा निकालेंगे। ये देखिए ऊन पीछे, तीन सीधा, एक दो तीन, ऊन आगे, तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक उल्टा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा, ऊन पीछे, तीन सीधा, यानी हमें तीन सीधा बुनना है और उसके बाद तीन फंदों को बुनकर तीन फंदे ही उनसे बनाने हैं। ऊन आगे, तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे, पहला फंदा हमने बना लिया, दूसरी बार ऊन लपेट कर और तीसरी बार बुनकर, ऊन पीछे, तीन सीधा और दो फंदे किनारे के। ये हमारी तीन सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई राइट साइड, जो कि पैटर्न की भी आखिरी सिलाई है। ये हो गए हमारे किनारे के दो फंदे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, ऊन पीछे, ये देखिए हमारे पास तीन तीन फंदों का ग्रुप है सा बन गया है। यहाँ पर तीन फंदे, यहाँ पर तीन फंदे, यहाँ पर तीन फंदे और यहाँ पर तीन फंदे। इन तीन फंदों में से एक फंदे को हम इस फंदे के साथ बुन लेंगे, देखिए, ताकि जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो घट जाए। दूसरा फंदा सिंगल और इस तीसरे फंदे को हम पहले सीधा कर लेंगे और इस फंदे के साथ, देखिए, इस फंदे के साथ हम बुन लेंगे। यानी जो हमने यहाँ पर दो फंदे बढ़ाए थे वो दो फंदे हमने घटा लिए, पहला फंदा यहाँ पर हमने घटाया और दूसरा यहाँ पर, एक उल्टा, एक बार फिर ऊन पीछे, देखिए दो फंदे एक साथ, दूसरा फंदा सिंगल और तीसरे फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद जोड़े में बुन लेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे। ये तीन का जो ग्रुप बन रहा है इसमें से एक फंदे को हम इस उल्टे फंदे के साथ बुन लेंगे। दाहिनी तरफ वाले फंदे को तो हमने बिल्कुल ऐसे ही सीधे बुन लेना है, बीच का फंदा सिंगल, लेकिन लेफ्ट साइड वाले फंदे को हम पहले सीधा करेंगे, ये देखिए, और उसके बाद उसे साथ में बुनेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, एक बार फिर दो फंदे एक साथ, एक फंदा सिंगल, इस फंदे को हम पहले सीधा कर लेंगे और दो फंदे एक साथ। ये हमारा पैटर्न देखिए कंप्लीट हो गया। चार सिलाई में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। पांचवी सिलाई से हम पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। ये देखिए इससे हम कैसे रिपीट करेंगे, पहला फंदा किनारे का था हमने उतार लिया, दूसरा फंदा उल्टा, ये दो फंदे हमने किनारे के लिए रखे थे, उनको आगे की तरफ रखते हुए
पहला फंदा सीधा, देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा और ये चार सीधा। एक बार फिर उनको आगे करेंगे और चार फंदे सीधे बुन लेंगे, एक सीधा, दो सीधा, तीन और ये चार। एक बार फिर उनको आगे की तरफ करते हुए चार फंदे सीधे बुनने हैं, एक, दो, तीन, चार, ऊन आगे चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार। और ये हमने दो किनारे के फंदे रखे थे। ये देखिए हमने पैटर्न को रिपीट करते टाइम पहली सिलाई बुन ली है, जो कि रॉन्ग साइड की थी। पहली सिलाई हमेशा रॉन्ग साइड की होगी, दूसरी सिलाई राइट साइड। ये हमारे किनारे के दो फंदे, एक उल्टा, दो उल्टा, तीन उल्टा। देखिए यहाँ पर हम पिछली सिलाई में हमने एक फंदा बढ़ाया था, तो इन दोनों फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे और यहीं पर एक और फंदा इस तरह, ये देखिए उनको आगे की तरफ रखते हुए ऐसे लपेटेंगे दाहिनी सिलाई पर, तो एक फंदा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर तीन फंदे एक साथ हो जाएंगे और उल्टा बुन लेंगे, एक, दो और ये तीसरा। एक बार फिर दो फंदों को उतारेंगे बिना बुने हुए, आगे की तरफ ऊन रखते हुए इस तरह दाहिनी सिलाई पर लपेटेंगे, जिससे कि एक फंदा बढ़ जाए, तीन उल्टा, एक, दो, तीन। एक बार फिर दो फंदों को बिना बुने उतार लेंगे, ऊन लपेट कर एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, तीन उल्टा, तीन उल्टा। एक बार फिर दो फंदों को बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा और ये किनारे के फंदे। तो इस तरह हमने पैटर्न को रिपीट करते हुए दो सिलाइयाँ बुन ली। तीसरी सिलाई, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा, ये देखिए यहाँ पर तीन फंदे हमारे आ गए हैं, ऊन आ गए तीन फंदों का, तीन फंदा, एक, दो, तीन। तीन सीधा, एक, दो, तीन, ऊन आगे तीन फंदों से तीन फंदा, एक फंदा, दो फंदा और ये तीन फंदा। तो इस तरह से हमारा पैटर्न रिपीट होने लग गया। इसे जब हम और आगे बुनेंगे तो ये इस तरह का दिखने लग जाएगा। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करें। थैंक यू।